भारत के सारे सिंगर्स को मिलना है ये तय हुआ है और उसी का आज समारोह है और मैं चाहता हूँ कि सबको ये शुभकामनाएं हैं और सबका आशीर्वाद चाहिए. थैंक यू. हाउ डज इट फील? इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट. ये तो होना ही था बट लता जी ने दे स्टार्टेड 30 इयर्स बैक. हम पिछले 10 साल से इसमें इस संघर्ष में हैं और तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी फॉर अस फॉर द म्यूजिक कंपनीज फॉर गवर्नमेंट. तो मुबारक हो हमको सभी को म्यूजिक कंपनीज को गवर्नमेंट को सारे लोगों को क्योंकि ये साथ में करने वाली काम है. एक एक पार्टी जो है नहीं कर सकते. मुझे इतना कहना है कि बरसों से जो सपना देखा था और बहुत से कलाकारों ने देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है. हमारे माननीय मंत्री आज यहाँ पधार रहे हैं और उनके सामने हम ये घोषणा करेंगे कि अब कलाकारों का जो हक है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा. उसके लिए हमारे इसरा के सीईओ संजय टंडन जी ने बहुत काम किया है. दिन रात लगे रहते हैं इसीलिए दुबले हो गए हैं. अच्छी खासी सेहत थी इनके पहले और आप देखिए कि कितनी खुशी की बात है कि शाहिद जफी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं. हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इतने सारे सिंगर्स आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सब उनकी दुआओं से उनकी मोहब्बत से और उनकी मेहनत से हुआ है. क्योंकि जिस तरह से हम मीटिंग्स करते रहे बार बार दिल्ली जाते रहे सारे म्यूज़िक कंपनी से मिलते रहे तो रंग तो गहरा होना ही था और उसका रंग इतना गहरा हुआ कि आज हर तरफ उसकी छटा बिखर रही है. हम लोग सब इसके लिए बहुत खुश हैं. देखिए अब सब हमारे दोस्त हैं. अभी तक जिनसे हम बार बार जाके झगड़े करते थे अब सब ने हाथ मिला लिया है. अब सब दोस्त हो गए. तो अब जब आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे बड़े अच्छे लगे क्योंकि बहुत अच्छे हैं. पहले तो हम क्या करते थे यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ काम नहीं बन रहा. अब सब काम बन गए हैं. अब सब हमारे दोस्त हैं. सब मिलकर काम करेंगे और इससे सबको फ़ायदा होगा पहले से ज़्यादा होगा. सर क्या आप भी जुड़े हुए हैं IMI जी? मैं इसरा का चेयरमैन हूँ तो इसलिए जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो मैं और संजय टंडन जी मिल के करते हैं क्योंकि हम दोनों के जाने बगैर कोई कदम बढ़ाया नहीं जा सकता. सर आप बताइए कैसे लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है. अपने खुशी की बात है कि मतलब कि जो सिलसिला बंद था अब शुरू होने वाला है. थैंक्स टू संजय जी एंड बहुत खुशी की बात है. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड. ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी संस्था है इसरा इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन इसका गठन 10 साल पहले हुआ था. इस वजह से हुआ था कि गायकों को भी सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक बार दफ़ा गाना गा लेते हैं उसके बाद उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलती. सब भूल जाते हैं. उनके गाने सब याद रखते हैं 100-100 साल तक याद रखते हैं. तो अब ये बेहद खुशी की बात है कि इसरा के माध्यम से अब ये रॉयल्टी उन तक पहुंचेगी और बड़ी खुशी की बात है कि ये रॉयल्टीज़ केवल आज के सिंगर्स को नहीं बल्कि जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं जैसे रफ़ी साहब मुकेश जी किशोर दास सबको मिलने वाली है. तो इसरा ने ये काम किया है जिसके चेयरमैन अनूप जी हैं. तो जैसे अनूप जी के मार्गदर्शन में और पीयूष गोयल जी के सपोर्ट के बगैर ये आज का तारीख मुमकिन नहीं होगी. जिस तरीके से सारे सिंगर हमारे लिए सारे सिंगर एक बराबर हैं चाहे पुराने हों नए हों चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों कि नॉन फिल्म इंडस्ट्री के हों डिवोशनल के हों सूफी के हों क्लासिकल के हों कहीं भी हों सिंगर सिंगर होता है तो उन सबको रॉयल्टी मिलेगी. तो इसरा जो है उन सबका रिप्रेजेंटेशन करेगी. अब हम उन्हें रॉयल्टी देंगे. जो हम लोग ने सिर्फ सपने में सोचा था लेकिन आज सपना सच हुआ हम सबका और हमारे लिए गर्व की बात है. हमने बहुत इसके पीछे सर खपाई करी है. सालों निकल गए हैं. हम बच्चे से जवान हो गए और आगे नहीं बोलूँगी. आप वहीं रुके. और हम सब की जो यूनिटी है हमने जो एक मत एक जुट होकर जो किया है
उसी का नतीजा है ये आज, और ऊपर वाले के ब्लेसिंग रहे हैं और आप सबका प्यार है हमारे साथ। इसरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसरा के बारे में क्या कहूँ, सब कुछ इसरा है और इसरा हम हैं, हम इसरा आज तक जो है, आज तक सिंगर को क्रिएटिव नहीं माना जाता था, नहीं नहीं को इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, लेकिन अगर सिंगर ना हो तो अच्छे से अच्छा गाना जो है वो उसको उतनी मकबूलियत नहीं मिल सकती। ये आप सब जानते हैं, सब बड़े बड़े सिंगरों का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आज का दिन तो बहुत ही यादगार दिन है कि सबके लिए एक नई रोशनी जो है वो संजय जी लेके आए हैं, इनकी मेहनत है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और सब सिंगरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अब जो है उनके किए हुए काम की रॉयल्टी मिलेगी। वाकई में संजय जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कभी कभी बीच बीच में ढीले भी पड़ जाते थे, तो ये चाबी लगाते थे नहीं ढीला नहीं पड़ना है, हमको करके दिखाना है, करना है। तो संजय जी थैंक्स टू यू, हम लगे रहे। बताता हूँ ये इस जी से मैं भी बहुत जमाने से जुड़ा हूँ, कॉन्सेप्ट उनसे बहुत जाना सबको, मैंने उतार चढ़ाव सब देखे हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस जगह हम पहुँच गए कि फाइनली ये सारे इतने सालों की जो जद्दोजहद और मेहनत का फल आज नज़र आ रहा है। आपको पता है कि कितने सालों से ये चल रहा है, और जब कल मैं दिल्ली में था मुझे संजय जी का फ़ोन आया कि भाई आप किसी तरह आ जाइए, और मेरी फ्लाइट मुझे मिल नहीं रही थी, मैं कैसे आया हूँ, मैं सीधे एयरपोर्ट से गया, क्योंकि ये एक ऐसा ख़ास मौका है, ये मिस नहीं करना चाह रहा। आप लोग सब जानते हैं कि क्या है ये, अभी उसमें सब लोगों ने बता दिया, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ी खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे और आगे कोई प्रॉब्लम हो और नहीं हो। अभी फाइनल और इसमें सबसे ख़ास बात ये है, आप लोग जानते हैं कि जेटली साहब ने शुरू किया था और गोयल साहब जो है इसको मोहर लगा रहे हैं, उनके सपोर्ट से सारा सब मामला सुलझ गया। कहना है कि जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना पूरा हुआ, हमारे साथ विक्रम जी खड़े हैं, विक्रम का मतलब ये होता है जीतना, तो जीत गए, आप भी जीत गए, आप भी जीत गए, सब जीत गए, जो एक दूसरे में एक फ्रिक्शन था, मन मिलाव था, कि ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं, वो सब बातें खत्म हो गई, और उसके लिए हम हमारे मिनिस्टर गोयल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट किया, बहुत इंटरेस्ट किया, जिसकी वजह से ये काम जल्दी हुआ। सोनू निगम भी इसमें लगे रहे, संजय टंडन जी तो एक एक पल लगे रहते थे, तो मैं सारी म्यूज़िक कंपनीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अब हमारे भी रिश्ता से मोहब्बत का है और ये मोहब्बत का रिश्ता हो चला है। विक्रम सर, आप कहेंगे? विक्रम, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा होने के अंदर मिलजुल के कोलैबोरेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है, और अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया गया है हम सब कृतज्ञ हैं पीयूष गोयल जी के लिए, कि अगर उनकी गाइडेंस के अंदर ये डिसीजन हुआ है कि सब लोग मिलकर आएंगे और इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे। आप सब ये हमारे पूरा टीम जो है, सिंगर्स का जो टीम है, खास करके अरुणी से लेके सोनू तक, वो सारे टीम में सारी टीम मिल के जो वर्क किया है, उसके एक नतीजा संजय टंडन जी है साथ में, ये लोग जो सारे मिल के जो हम लोग इतना मेहनत किए थे उनका फल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है मिनिस्टर साहब आज हम लोग को टाइम दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग जिस प्रॉब्लम को लेकर हम लोग इतना लड़ रहे थे उसका कुछ सॉल्यूशन निकल के सामने आ रहा है, तो दैट इज़ आई थिंक वेरी गुड। एंड संजय जी बेटर बोल सकते हैं इस बारे में, मैं तो खाली बस बहुत खुशी मना रहा हूँ, मैं आया चाय वाय पीऊँगा, फर्स्ट क्लास खुशी मना रहा हूँ। हाँ, आज एक वैसे देखिए मैं ज़रा सेलिब्रेशन वाला शर्ट पहनकर आ गया हूँ, क्योंकि
काफ़ी सालों की एक यू नो दोनों तरफ से ही, ना सिर्फ ये नहीं कहूँगा सिर्फ हम सिंगर्स ही एक जद्दोजहद कर रहे थे हमारे मांगी पूरी करो, हमारे मांगी पूरी करो, कहीं ना कहीं एक ऑफकोर्स जब तक म्यूज़िक कंपनीज और सारे जो स्टॉक होल्डर्स शेयर होल्डर्स हैं साथ में एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर अगर ना आते तो ये बात नहीं बनती। हमारी मिनिस्ट्री सब मिलकर इस नतीजे पर आ पाई है और एक बहुत ही सुखद सोल्यूशन हुआ है और ये एक नया शुरुआत है। इसके बाद ऑफकोर्स अब तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन बहुत एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रेसिडेंट अनूप जी के काफ़ी हद तक उनकी वजह से और हमारे संजय टंडन जी की वजह से। और हम लोग ये पहले साई संस्था शुरू किए थे, सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर हमने इसरा बनाया, फिर इसरा रजिस्टर करने के बाद फिर पता चला और भी सारी डिटेल्स है जो भी हो, लेकिन ये काफ़ी लंबा चला और आज म्यूज़िक कंपनीज सिंगर्स सब एक साथ एक छत के नीचे एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। है वो है ऐतिहासिक, क्योंकि हम जब से पैदा हुए तो और जब से हमने गाना शुरू किया तब से ये बात सुन रहे थे कि जो सिंगर्स हैं जो गायक हैं उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बातें सुनी ही थी। आज भी मानने में नहीं आ रहा है कि ये बात सच है और ये बात सच हो गई है। जो ख्वाब हमने देखा था कई सालों पहले आज वो हमारा जो ख्वाब है वो बिल्कुल सच हुआ है, और उसके लिए मैं संजय जी मेरे बगल में खड़े हैं और बाकी मेरे बहुत सारे सिंगर यानि जो मेरे गायक मित्र हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने साथ मिलके आज ये सिंगर कम्युनिटी जो है पूरी उसको इस एक ऐतिहासिक मकाम पे ले आए हैं सब, कि उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। लग तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक सिंगर्स एंड म्यूजिक लेबल्स हैव कम टुगेदर इन अ प्रोबेबली व्हाट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिक अकॉर्ड्स इन द वर्ल्ड आई वुड से, सो वेरी हैप्पी। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द इंडस्ट्री, ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ अस हियर, इट्स अ बिग अचीवमेंट। I think for any industry to survive, you need the creator economy and the stakeholders to be together. पहले writer composer का हमारा बहुत time से we were trying to get it together, वो हो गया, एक ही चीज़ बचा था जो singers के हैं। आज पूरी creator economy और हम इकट्ठे हैं, labels, publishing companies, global companies, Indian companies सब एक साथ हैं, तो अब तो future bright ही है। इन्होंने जैसे कहा हो रहा है, पहले म्यूजिक वाले थे, लिरिसिस्ट एंड नाउ सिंगर्स, म्यूजिक कंपनी, सब लोग मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग एंड प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड हम सब के लिए बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है कि हमारा बिजनेस यहाँ से 3-4 टाइम्स होगा, ये टारगेट है, देखिए क्या होता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज ये ऐतिहासिक दिन पर और ये एक ऐतिहासिक देखिए मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं आप सब लोग, कि जबकि एकता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एकता हमारे भारत में और हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कमी थी जो आज इस हिस्टोरिक ओकेजन में दिख रही है, कि अब हम एक होकर सारी म्यूज़िक कंपनीज भारत की और सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस भारत के आज एक हो रहे हैं, जिससे कि श्रोताओं को आप सबको ये महसूस होगा कि आपको रॉयल्टी देना बनता है ताकि एंड सिंगर तक वो रॉयल्टी पहुँचे, और ये सब हमारे दिग्गज हैं जो कि इस चीज़ को हमको करके देंगे। तो आप सब लोगों का साथ, लोगों का साथ इसमें ज़रूर चाहिए होगा कि ये इस ऐतिहासिक दिन को केवल दिन ना माने बल्कि पूरी शताब्दी में कंट्रोल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, हमारे संजय टंडन जी और इसरा के जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाल कर दिखाया है और उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसा लगता है कि अभी सवेरा होने ही वाला है, और बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने जो जंग लड़ी है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, और आज ऐसा भी दिन आया कि हम सिंगरों के लिए, गायकों के लिए जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए ऐसा भी दिन आया कि आज रॉयल्टी की बात फाइनल पे है, फाइनल अब पैसा आएगा जी जी, तो कम से कम सोचा कि
इन्होंने इतना अच्छा काम किया इसरा वालों और हमारे संजय टंडन जी, सोचे कि कम से कम ऊपर जाने से पहले कुछ तो मिलेगा। एक्चुअली रॉयल्टी का मतलब यह है कि आपके सुख दुख में काम आए, और वो बहुत ही अच्छी बात हुई है। बस इसी तरह आप छाए रहें और साथ में हम सब लोग आपके साथ हैं। और 10 साल लग गए इस खुशखबरी को आने के लिए। ना हम बेसब्र थे, ना हमारी सोसाइटी, हमें पता था कि ये होना है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये फिनोमिनन हो रहा है और बहुत सालों से हो रहा है। सो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट इट डॉन्ड ऑन देम दैट यू नो वी मस्ट पे रॉयल्टीज। सो इट्स अ ग्रेट डे एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन इसरा, एंड वी वेरी 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 हैप्पी। And now the journey begins. So that justice to Rafi Saab, Kishorda, Lata Ji, Mukesh Ji, Talat Saab, Manada, and all the legends who are not with us, and their work keeps playing, and all the legends who are still with us, including Asha Ji, Shailendra Ji, and all the latter will now start getting royalty, including all of us in the younger generation and the generation after us. And it's a question of time. The ones who are not with us will have to come, because Suraj sab pe chamakta hai. Thank you, sir. Gunguna rahe hai bhore, khil rahi hai kali kali. Okay, sir.